दोस्तों, मैं मिस्टर मदनलाल फ्रॉम जम्मू, आप सभी लोगों का आज इस कुंभ 3 के बीच में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रहने वाला जम्मू कश्मीर का हूं और बेसिकली इंडियन आर्मी की जॉब करने के बाद ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जहां पर लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, और वहां से मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम मुझे घर में प्रॉब्लम थी, और महागुरु मिस्टर मेघवाल सर के माध्यम से मुझे प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला था। तो मैं चाहूंगा कि मेघवाल गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, अभी तक की जोरदार तालियां दोस्तों। और उसके बाद कंपनी सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां सर, क्योंकि अगर सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर हम सब लोगों के लिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म ना बनाते, तो दोस्त आज इस कुंभ के छो में 15,000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते दोस्त। उसके बाद इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, संजीव सर के लिए हो गई तालियां कि नहीं हुई, एक बार दोबारा बजा दो दोस्त। उसके बाद कंपनी के सेकंड रॉयल एम्बेसडर शिव कुमार सर, नसीब सर, संदीप सर, जितने भी मेरे मेंटर्स हैं और जितने फ्रंटलाइन के रेगुलेटर बैठे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और डायरेक्टर महाचंद सर के लिए, रायपुरिया के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। दोस्त, शुरुआत की थी इंडियन आर्मी की, मैं 26 साल नौकरी करके आया था, जूनियर कमीशन ऑफिसर से रिटायर्ड था, पैसा लेके आया था, जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन दोस्त, जब मैंने असलीस वेलनेस का प्रोडक्ट चूज किया, उसके बाद मैं दीवाना हो गया, क्योंकि मेरी मैडम को यूट्रस के बीच में ट्यूमर थे और सोलियां थी, और एक डॉक्टर ने मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था कि आपको मैडम की यूट्रस रिमूव करना पड़ेगी। और दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं डॉक्टर की मानता या महीपाल सर की मानता। महीपाल सर ने मुझे ठोक ठोक के बोला कि आपको सर यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार असलीबियस का प्रोडक्ट यूज करो, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैंने कैसे न कैसे विश्वास करके मैंने शुरुआत की, प्रोडक्ट चालू करवाया, और मात्र 3.5 महीने मैंने मैडम को प्रोडक्ट यूज करवाया, और उस प्रोडक्ट का इतना जबरदस्त और अमल दर्जे का रिजल्ट आया, 3.5 महीने के बीच में मेरी मैडम की यूट्रस सेफ और ट्यूमर दोनों मर्द हो गए दोस्त। और उस दिन मेरे माइंड में बात क्लिक की थी कि अगर मेरी मैडम को असलीबियस के प्रोडक्ट का इतना बड़ा रिजल्ट आ सकता है, तो आज इस हिंदुस्तान के बीच में 90% लेडीज को लेडी प्रॉब्लम है, किसी को यूट्रस के बीच में ट्यूमर, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को लोकोरिया की प्रॉब्लम, किसी को संतान की प्रॉब्लम। तो दोस्त, उस दिन मैंने बीड़ा उठाया था कि मैंने इंडियन आर्मी के बीच में 26 साल मैंने देश सेवा की है, और अभी मैं एक समाज सेवा का काम करूंगा। और दोस्त, हमें बहुत बड़ी बड़ी भयंकर समस्या आई, जेएनए के में आपने सुना होगा 370 भी टूटी, 35 ए भी टूटी, और दोस्त नेट भी बंद रहा, कम्युनिकेशन भी बंद रहा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी दोस्त, लगातार इस असली पीस प्लेटफॉर्म में काम करते रहे, चलते रहे, डटे रहे, और आज आपके सामने रॉयल डायमंड दोस्त, आज थोड़े महीनों के बाद क्राउन डायमंड बन के आऊंगा स्टेज पे। और इस उम्र के बीच में आज मेरी 58 साल है दोस्त, 58 साल की एज में लोग आराम करते हैं, क्योंकि आज भी 40,000 रुपया पेंशन लेता हूं इंडियन आर्मी से, और पैसा भी लेके आया था, लेकिन दोस्त कुछ सपने थे, कुछ करना चाहता था, लेकिन दोस्त जब इंडियन आर्मी में था तो कुछ भी नहीं था, एक बाइक थी टोटल, और उसी बाइक पे काम करके और अपने अपलैंड अपने महागुरु की ऊपर विश्वास करके काम करते रहे। होंडा गाड़ी भी आई, उसके बाद 2 साल के बीच में ओडी A4 काले कलर की भी लेके आया। इस उम्र में अरे क्या तो बच्चा बैठेगा ना उसमें, वो तो दुनिया से मेरे बूढ़े आदमी को देखे भाई, लेकिन आज
बड़े गर्व से बोलता हूँ, बड़े अटफाक से बोलता हूँ कि दोस्त आज 58 साल की एज में ओडी ए फोर के बीच में चलता मदन साहब। उसके बाद पिछले साल बच्चे का बर्थडे था 30 जून को, अभी फिर 30 जून आने वाला है, और पिछले साल ही बच्चे को, जिस बच्चे के केक काटने के पैसे तक नहीं होते थे, और उसी बच्चे को पिछले साल टाटा सफारी सनरूफ ऑटोमेटिक गाड़ी 28 लाख की बर्थडे के ऊपर गिफ्ट की थी दोस्त। ये बाप रहे असल दोस्त। और दोस्त तीन गाड़ियां ली, उसके बाद परसों ही कुरुक्षेत्र से एक गाड़ी खुद ड्राइव करके मैं जम्मू लेके जाऊँ, परसों की बात है, परसों कुरुक्षेत्र से गाड़ी लेके जाऊँ जम्मू, चौथी गाड़ी। ये बाप रहे इस प्लेटफॉर्म की दोस्त, और मेरे मेंटर्स और मेरे सीनियर तो मेरी टीम की। तो दोस्तों आज अगर इनकम की बात करें तो दोस्त आज महीने की बात करें, आज 22 से 23 लाख रुपए कमाते हैं पर मंथ, 22 से 23 लाख। दुनिया बहुत ही करोड़पति बनते दोस्त, जहां पे हम एक बार भी करोड़पति बने, दो बार भी बने, तीन बार भी बने, चार बार भी बने, पांच बार भी बने, छह बार भी बने, सात बार भी बने, दोस्त आज 7.5 करोड़ की अर्निंग कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्त, दुनिया बोलती है किस्मत, किस्मत जिसकी किस्मत है वही बनता है दोस्त, किस्मत नहीं, दुनिया बोलती जिसके कर्म अच्छे रखती है उसकी किस्मत काम करती है दोस्त। अगर हमने पिछले जन्म के बीच में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, हमें क्या पता हम पिछले जन्म में किस जूनी में थे, हमसे क्या गलत काम हुआ, हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। लेकिन दोस्त अभी आपके कर्म बन सकते हैं और आपकी किस्मत भी खुल सकती है। वो कैसे? क्योंकि पिछले जन्म में आप किस चुनी में थे, हम किस चुनी में थे, हमसे क्या मतलब बुरा भला हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आज इस इंसान चुनी में आकर के असलीपिया जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, असलीपिया जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसमें अगर काम करोगे, क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं, हम लोगों को घर घर में जाकर के एक अच्छी सोच देते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। पिछले जन्म में हमने कर्म किए या ना किए, लेकिन दोस्त अच्छा काम करने वाले कर्म बन सकते हैं और हमारी किस्मत खुल सकती है, और हम जहां पर डाने नहीं, हम जहां पर बन सकते हैं। विश्वास है ऊपर वाले, हेलो दाहिने वाले दोस्त, विश्वास करना, सोच को चेंज करना। जो नए लोग आए उनको बता रहा हूँ कि अगर हम जैसे लोग, रामकुमार सर जैसे इतने ऊपर वाले लोग अगर जहां पे करोड़पति बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो दोस्तों जहां पे हाल में बैठा हुआ हर इंसान कामयाब हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।